तो हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफी डिस्कशन कर लिया हमने, हिस्ट्री डिस्कशन कर लिया पिछले वीडियोस में, अब हम लोग पेपर वन के तीसरे हिस्से सोसाइटी पे, इंडियन सोसाइटी पे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले तो आप लोग सोर्स बता दीजिएगा शॉर्ट में कि ये मैं सोर्स फॉलो करता था, उसके बाद क्वेश्चन में कौन से स्पेसिफिक जो आप कह रहे थे ना कि ये वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट है, ये जनरली लोग नहीं ध्यान देते हैं, मैं वो करता था। ठीक है, तो शिवांग भाई आप बताइए तीसरा मौका फिर आपको। हाँ, सबसे पहले तो मैं, मेरा सोच क्या था, मेरा सोच में था विजन आईएएस की प्रिंटिंग मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल जो था उसका रीज़न क्या था कि मुझे क्यों अच्छा लगा था वो, पहले उसमें कंटेंट होता है, फिर उनके जो टेस्ट सीरीज होती हैं पिछले 4-5 साल की उसके क्वेश्चंस रहते हैं, फिर उनका पीवाईक्यू का भी सॉल्व आंसर होता है, तो मुझे एक पैकेज मिल जाता है उसमें कि ये कंटेंट है, फिर उससे उनके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस मिल गए सॉल्व, और फिर इनके पीवाईक्यू के भी आंसर्स मिल गए सॉल्व। तो ये अब इसमें आते हैं कि मैं इस मटेरियल में क्या अपना एडिशनल मेहनत करता था, क्या मैंने इनोवेटिव काम करता था। देखिए इसमें भी जो 80% जो इंडियन सोसाइटी के टॉपिक हैं उसमें मैप के चांसेस हैं, जैसे कि आप ये पढ़ रहे हैं एक टॉपिक क्षेत्रवाद, तो आप दिखा सकते हैं कि क्षेत्रवाद भारत के किस किस एरिया में पनपा है, उसके क्या क्या कारण है, भारत का जो अलग अलग भाग है अलग अलग स्वरूप में क्षेत्रवाद को की अभिव्यक्ति करता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वो क्षेत्रवाद का प्रभाव उसमें दिखता है कि वो स्वायत्तता की मांग करता है या फिर भारतीय संघ से पृथक होने की बात करता है। अब राष्ट्रवाद हो जाता है। हाँ हाँ, अब आ जाइए यूपी में क्षेत्रवाद, यूपी में जो क्षेत्रवाद का कारण भी अलग है, आर्थिक कारण है, और ये प्रभाव ये उत्पन्न करता है बुंदेलखंड का और पूरी एरिया की, हम उत्तर प्रदेश से अलग होना चाहते हैं, ये संघ से अलग होने की डिमांड नहीं करते बट यूपी से अलग होने की बात करते हैं। अब एक होता है सुप्रा स्टेट क्षेत्रवाद, SUPRA स्टेट क्षेत्रवाद, इसमें ये क्या होता है, ये क्या होता है, कई सारे राज्यों का समूह मिल करके अलग अलग समूह बनाते हैं और अलग अलग डिमांड करते हैं, जैसे कि भाषाई विवाद में दक्षिण राज्यों एकजुट होकर के अलग डिमांड करते हैं, उत्तरी राज्य अलग डिमांड करते हैं, इसको बोलते हैं सुपर। तो आप जैसे जैसे ये लाइन लिखिए मैं बना के दिखा दीजिए कि सुपर स्टेट क्षेत्रवाद का स्वरूप दक्षिण भारत को एक रेखा खींच के ये सदर्न स्टेट है, ये नदर्न स्टेट, ये ऐसे ऐसे करते हैं, तो क्षेत्रवाद की एग्जाम्पल्स को मैप से दिखा दीजिए, तो इसमें भी मैप कर हो गया। अब आ जाइए कि इंडिया सोसाइटी में कोई एक ही मैप बना के इकट्ठे दिखा दीजिए, सुपरा स्टेट है वो, अलगाववाद वाली डिमांड है वो, हाँ, ऐसी है वैसी, हाँ, है बिल्कुल बुंदेलखंड। अब एक पहला ही सबसे बेसिक जो टॉपिक है इंडियन सोसाइटी का, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसमें क्या है, जब आप साइलेंट फीचर्स दिखाएंगे तो इसमें आप थोड़ा सा मैप बनाने का स्कोप होता है, जैसे कि विविधता में अगर आप दिखा रहे हैं कि भारत में जो है नस्लीय है प्रजाति विविधता है, तो एक प्रजाति विविधता है, एक मैप बहुत पॉपुलर उसमें दिखा दीजिए कि निग्रेटोन यहाँ है भारत में, मंगोलाइड इस एरिया में बहुतायत में है, प्रोटो एटलाइट इस एरिया में बहुतायत में, ये दिखा दीजिए। अब आ रहा है कि भारत में विविधता पर डिस्कस करें, विविधता एक डायमेंशन है कि भारत में भौगोलिक विविधता भी ज़्यादा है, तो भारत का जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला मैप बनता है दिखा दीजिए, ये देखिए यहाँ पर तटीय क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र, तो सारे तरह से ज्योग्राफिकल फीचर्स इंडिया में रिप्रेजेंट होते हैं, जिसको आप मैप से दिखा दीजिए। इसके बाद आप इंडिया सोसाइटी में, दूसरा हो गया, पहले मैंने मैप बता दिया, दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट कि इंडिया सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्कोप है हर एक टॉपिक को डेटा फैक्ट से प्रूफ करने का, जैसे कि अगर आप भाषाई विविधता की बात कर रहे हैं कि भारत में भाषाई विविधता बहुत है, तुरंत अखिल भारतीय भाषा सर्वेक्षण का डेटा डालिए। जैसे अगर आप बात कर रहे हो कि भारत में धार्मिक विविधता बहुत ज़्यादा है, तो तुरंत जो सेंसस 2011 का वो जो रिलीजन वाला डेटा है वो डाले कि इतने परसेंट हिंदू इतने परसेंट मुस्लिम। इसमें मेरा एक डाउट भी है, जैसे हाँ। जैसे डेटा वाली जो बात करते हैं अखिल भारतीय भाषा सर्वेक्षण, ये तो ये तो हर सर्वेक्षण के अलग अलग डेटा होते हैं, हाँ। तो ऐसे फिक्स रटते हैं कि जो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा के लिख देते हैं कि रटे रहते हैं? नहीं नहीं, ये मैं रटता हूँ, इसमें रटता हूँ, लेटेस्ट देखता हूँ, मतलब होता है बिल्कुल लेटेस्ट क्या है वो देखता हूँ, बाकायदा वेबसाइट या फिर गृह मंत्रालय का डेटा कोट करते हुए दो, तो क्योंकि अगर सोसाइटी का ऐसा पार्ट अगर आपने इसमें डेटा दिखा दिया ना कि मान लो उन्होंने सर्च किया डेटा, अगर ऑथेंटिक निकल आया तो किसी क्वेश्चन में अगर आप तुक्के से भी डेटा डालते हैं और थोड़ा बहुत गलत भी होता है तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, तो जहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट लेने का प्रयास है तो वहाँ पर वो भी लीजिए, बट कुछ ऑथेंटिक डेटा भी डाल दीजिए, दोनों चीज़ें हैं। और फिर इसमें वही डायग्राम की बात हो गई, जो डायग्राम भी जैसे हर सब्जेक्ट में बनते हैं वैसे उसी तरह फ्लो चार्ट के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, जिसमें कुछ खास बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनोवेशन का पॉइंट नहीं है। और हाँ, कुछ एक जैसे कि डिबेटेबल पॉइंट है इंडियन सोसाइटी में, उसमें आप कमेटीज़ की रिपोर्ट डाल सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल सिविल कोड है उसमें एक सरला मुद्गल केस है, वो आप डाल सकते हैं, और विधि आयोग की रिपोर्ट डाल सकते हैं, विधि आयोग ने रिपोर्ट में कहा था कि भाई हम जो यूनिवर्सल सिविल कोड है उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था विधि आयोग ने, कि जैसा चल रहा है ऐसे ही प्रेजेंट चल रहा चाहिए, तो कम बढ़ा के 21 साल हाँ, कर दो बिल्कुल ये चीज़ करना चाहिए। तो इसी तरह ये है कि कमेटीज़ का जो गवर्नेंस वाली कमेटीज़ का सेकेंड ARC हो गई, और फिर हो गए डेटा फैक्ट सबको, उसके बाद मैप हो गया, हाँ बस यही 4-5 चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा करनी होगी। तो सर मेरा तो पहले जो सोर्स रहा है सोसाइटी का, वो मैंने तो पहले जो अपने क्लास नोट्स किए थे दृष्टि में, तो उन सारे को समराइज़ करके पहले मैंने हर चीज़ का शॉर्ट नोट्स अपना बनाया,
जैसे अगर मान लीजिए इंडियन सोसाइटी का नॉर्मल अगर फीचर्स वगैरह अगर पढ़ना है तो उसके लिए मैंने 4-5 पेज में उसका पूरा शॉर्ट बना दिया। फिर सांप्रदायिकता है, 2 पेज में सांप्रदायिकता, 2 पेज में पंथ निरपेक्षता आ गई। फिर से मान लीजिए नगरीकरण रिलेटेड इशू है, 2-3 पेज में नगरीकरण का शॉर्ट बना दिया छोटा छोटा, उसमें सारे वैल्यू एडिशन सारे पॉइंट्स कर दिए और सारे डेटा फैक्ट्स वहाँ लिख दिए। इसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा करता हूँ वो मुझे विजन का 365 मैगजीन आता है जो मेंस के लिए, मैं उसका शॉर्ट बनाता हूँ पूरा, मेन मेन चीज़ें वहाँ से डेटा लेता हूँ, जो 1 साल का सिनेरियो है उसको देखता हूँ, उसके अनुसार अब क्वेश्चन से उसको लगा के मतलब कि उससे हिसाब से क्वेश्चन दोनों करके लिखता हूँ। तो जैसे जैसे आप क्या करते हैं पहले, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन आता है मान लेट्स अगर सांप्रदायिकता के ऊपर ही अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें होना चाहिए कि जब भी आप पहले तो आप सांप्रदायिकता की 2-3 लाइन में परिभाषा लिखिए, अच्छे से एक अच्छी परिभाषा लिखिए और हर चीज़ का एक परिभाषा आपके पास होना चाहिए। पंथ निरपेक्षता लिख रहे हो तो पंथ निरपेक्षता की परिभाषा लिखिए और जब साथ में आप लिखते हो सांप्रदायिकता तो कोई भी अगर आप पॉइंट्स देखते हो सांप्रदायिकता की ये कारण है तो उसका आपको प्रॉपर एग्जाम्पल देना चाहिए कि हाँ ये कारण है इस कारण की वजह से। अगर आप लेट से अगर आप जो है कि धार्मिक कारण देते हैं तो भारत में धार्मिक कारण की वजह से सांप्रदायिकता अगर हुई है तो उसे दीजिए, जैसे सिख दंगे हुए थे कहीं ना कहीं इसको दीजिए, अगर पंथ को लेकर है तो उसको दीजिए, कहीं ना कहीं जो भी सांप्रदायिकता के रीजन्स आप देते हैं तो उसके लिए आपको पिन पॉइंटेड आंसर देने हैं। और उसमें एग्जाम्पल इसमें मुझे लगता है कि जो भी आप स्टेटमेंट अगर उत्तर में लिखते हैं उसे जस्टिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल आपको हमेशा जो है कि मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर लिख रखेगा क्योंकि लिखने के तो आदमी मतलब कुछ भी पॉइंट लिखने के लिए आदमी 10 तरीके के पॉइंट्स होते हैं लेकिन एग्जाम्पल वो अपने यूनिक होता है। तो आप थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल पर अच्छे काम कर सकते, जैसे कि अगर आप शहरीकरण पढ़ रहे हैं ठीक, अगर नगरीकरण पढ़ रहे हैं शहरीकरण में कई रिलेटेड इशूज़ हैं जैसे नगरीय बाढ़ की समस्याएँ हैं, तो जब आप नगरीय बाढ़ लिख रहे हैं तो नगरीय बाढ़ की एक तो नगरीय बाढ़ क्या होता है वो हमें जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसके अनुसार उसकी परिभाषा होनी चाहिए, उसके बाद उसके कारण क्या है, विशेषताएं क्या है, उसमें क्या क्या किया जा सकता है। अभी रिसेंटली कहीं आया हो शहरी बाढ़ तो उसका आप एग्जाम्पल ज़रूर दें, और जैसे भारत का पूरा मैप बना के पूरा दिखा सकते हैं कौन कौन से शहर है जो शहरीकरण से आ रही है नगरीय बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित हैं। फिर जैसे अगर आप मलिन बस्ती लेट से अगर आप लिख रहे हैं, जैसे अगर आप मलिन बस्ती के ऊपर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको ये होना चाहिए कि भारत के भी कितनी जनसंख्या मलिन बस्तियों में रहती है, इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। मलिन बस्तियों के वर्तमान समय चुनौतियां क्या हैं, अभी किस प्रकार उसमें चेंजेस आ रहे हैं, पहले की क्या चुनौतियां थी अब क्या चुनौतियां हैं, तो थोड़ा इसको जितना आप करंट सिनेरियो से ऐड करेंगे तो वो आपके लिए उत्तर को मुझे लगता है कि ज़्यादा उतना बेहतर बना सकता है। और इसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करिए करंट के, जैसे सोशल इशू में क्या है कि ज़्यादातर चीज़ें करंट से रिलेटेड होती हैं तो थोड़ा इस पर करंट पर भी फोकस करना हमारा ज़्यादा मतलब होगा। ठीक सर, देखिए इसमें मैं अभी शिवांग सर से ही बात कर रहा था, अरविंद सर ने भी मतलब प्रॉपर आपको क्लियर कट बताया और देखेंगे आपने देखा इन्होंने अनजाने में इंटरलिंकेज पूरा प्रॉपर दिखा दिया कि सोसाइटी के प्रश्न को जियोग्राफी से डिजास्टर मैनेजमेंट से कैसे जोड़ा, नगरीकरण से इन्होंने सारी चीज़ें बता दी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ क्या होती है ना, जब टॉपर्स होते हैं ये लोग मेहनत करते हैं अपने आप वो अंदर से आ जाती है। कई बार क्या होता है अब हमारी तरफ यूट्यूबर तो है नहीं तो कई बार बोलना मतलब होता है ना कि हम बोल नहीं पाए, बता के नहीं बोले लेकिन बोल दिए। हाँ। तो मेरे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि मैं बता दूं, देखो इन्होंने इंटरलिंकेज करके बता दिया आपको, अब समझ लो। हाँ। एक बात जो इन्होंने भी ऐड किया, अब दोनों लोग का हम आपस में भी एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे अभी जैसे मलिन बस्ती पे ही बात हो रही थी तो मलिन बस्ती पे जैसे इन्होंने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट मलिन बस्तियों के लोकेशन देख ले कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है, जो सेंसस 2011 का डेटा था जहाँ पर क्या गया कि शहरी आबादी का 17.4% मलिन है। फिर उन्होंने क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट जो मलिन बस्तियां उनको उन्होंने क्या किया अंडरलाइन कर दिया। मैं आपकी जगह मैं क्या करता था, मैंने क्या किया, मुझे पता है कि भारत के जितने शहर हैं सब जगह मलिन बस्तियां हैं, तो मैंने क्या किया शहरों को, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में बड़ा गोला बना दिया, मुंबई में बड़ा गोला बना दिया, धारावी पता है सबसे बड़ी मलिन बस्ती है, और बाकी जितने शहर है छोटे छोटे डॉट्स बना दिए, तो मलिन बस्तियां अपने आप दिखा दी और वहां पे नीचे लिख दिया कि 17.4% शहरों का मलिन बस्ती है। तो मैंने ज्यादा लिखने से बच गया और मैप भी मैंने बना दिया, लेकिन आपका मैप का दिमाग हर जगह चल रहा है, मेरा उतना नहीं चल रहा है। तो ये एक फैक्ट है कि मेरे जीएस वन में थोड़े नंबर कम है, लेकिन देखिए आप लोग देखेंगे कि जब 2-3-4 लोग यहाँ पे 5 लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो एक आइडिया जनरेट होता है, तो सोसाइटी का मेरे हिसाब से। और सर ने जैसे बताई ऑथेंटिक डेफिनेशन, ये मुझे भी ये फीलिंग आ रही है बातचीत करके, हर जैसे सांप्रदायिकता है या फिर रीजनलिज्म है ना, वो कीवर्ड्स जैसे इन्होंने बोला सुप्रा स्टेट, वो कीवर्ड्स आपके आंसर में दिखने चाहिए, वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो भूमिका निष्कर्ष का बताता हूँ सब लोगों को, तो जैसे कि देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे बड़ी तो समस्या सबके सामने आती है कि क्या भूमिका लिखें क्या निष्कर्ष लिखें, तो कहाँ से हमें किसी क्वेश्चन की शुरुआत करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अलग अलग
अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं सबकी भूमिका लिखने का टॉपिक मतलब कि अलग अलग होता है। जैसे आप कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक ले रहे हैं तो उसमें चाहिए आपको कोई सरकार की अथॉरिटी है उसके हिसाब से उसकी कोई परिभाषा हो अथेंटिक उससे शुरुआत करिए। जैसे अगर आप शिक्षा से रिलेटेड कोई इशू लिख रहे हैं तो मुझे लगता है शिक्षा की जो वर्तमान डेटा है कुछ एनएसओ का चाहे कुछ भी हो जैसे हेल्थ पे लिख रहे हैं तो उस पे जो है कि एनएसओ का डेटा हो उससे आप चीज़ें शुरुआत कर सकते हैं। सबका अलग अलग जैसे कि निष्कर्ष लिखने का तरीका होता है। जैसे कि आप हिस्ट्री का कोई लिख रहे हैं जैसे लेट से अगर फ्रांस की क्रांति लिख रहे हैं तो फ्रांस की क्रांति से क्या निकला उसका निचोड़ उसका आगे क्या इम्पैक्ट हुआ आगे के इतिहास पर क्या इम्पैक्ट पड़ा तो इससे आप इसको आप निष्कर्ष के तौर पर बना सकते हैं। तो हमें ना पहले हर सब्जेक्ट का अलग अलग अपना डिसाइड करना होगा कि हमें किस पे किस प्रकार का जो है कि लिखना चाहिए। जैसे आप हेल्थ पे लिख रहे हैं तो हेल्थ पे क्या लिख सकते हैं हेल्थ पे कुछ सुधारात्मक आप फ्यूचरिस्टिक करके जो है कि निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो आप जितने भी लोग अभी इस बार का मेंस दे रहे हो चाहे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये किसी बात से तो घबराना ही नहीं है कि मेरी भूमिका अभी लिखी नहीं जा रही है मैं क्वेश्चन का शुरुआत नहीं कर पा रहा हूँ चाहे निष्कर्ष नहीं लिख पा रहा हूँ। ये चीज़ें हमारे सामने भी आई थी और सबके सामने आती है जब कोई शुरुआत करता है आंसर राइटिंग के लिए तो ये चीज़ें आपकी दूर होंगी प्रैक्टिस से। और अगर आपने लगातार प्रैक्टिस किया तो विश्वास मानिए एक समय ऐसा आएगा कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन रख दिया जाए तो उस पर चार चार तरीके से आप भूमिका लिखने की स्थिति में होंगे मेरे ख्याल से। ठीक तो देखिए इतने शानदार डिस्कशन से तीन वीडियो में हमने पेपर वन 10-10 मिनट के तीन वीडियोज़ हैं पेपर वन को पूरी तरह से कंक्लूड कर दिया है एकदम। कोई आपको लग जाए कि यह कमी रह गई हो अभी सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मैं इन लोग से गूगल मीट ये लोग वादा कर रहे हैं मैं इसीलिए यूट्यूब पर बता देता हूँ मेंटरशिप एक बार ये तो इस बार जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके साथ जुड़ के ये लोग मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे 2-2 घंटे का समय गूगल मीट पे। ठीक है तो इसीलिए यूट्यूब पे बता ताकि जो ना लोग कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा दबाव डालिए। ठीक है तो ये होता है पेपर वन हम लोग कंक्लूड करते हैं यहाँ पे पेपर टू पे डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है सो कट कर दिए।